बच्चों, मैं आज आपको ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल में समाज संगठित रूप से रहता था। एक जनजाति है, सोच को लिए हुए समाज था, और अधिकांश समाज के लोग ग्रुप में, समूह में घूमने का, घूम घूम कर अपने आजीविका को चलाते थे। घुमक्कड़ होने के कारण वो जहाँ भी उनको उनके दाना पानी खाने पीने की व्यवस्था अच्छी मिलती थी, वहीं जाके बस जाते थे। पितृ प्रधान समाज होने के कारण संयुक्त परिवार प्रथा थी। परिवार के मुखिया को कुल कहा जाता था। समाज चार भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में आपस में एक दूसरे में विवाह करने की छूट थी। बेटी और भोजन दोनों में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, दोनों एक दूसरे को स्वीकार्य थे। दो प्रकार की शादियों को उल्लेख मिलता है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह पद्धति में हाय ऊंचे वर्ण का दूल्हा होता था और नीचे वर्ण की दुल्हन होती थी। प्रतिलोम विवाह पद्धति में निम्न वर्ण का दूल्हा और उच्च वर्ण की दुल्हन होती थी। लेकिन कहीं कोई आपस में इस बात को लेकर कहीं कोई वो कोई कटुता वाली स्थिति नहीं थी। पहला और दसवां जो ऋग्वेद का अध्याय है वो उत्तर वैदिक काल के बाद में जोड़ा गया है, जिसमें जाति और वर्ण का उल्लेख है। लिंग भेद किसी प्रकार का नहीं था। बाल विवाह को स्वीकार्य नहीं किया जाता था। महिलाओं को समान पुरुषों के समान शिक्षा लेने का अधिकार था। महिलाएं वेद इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करती थी और यहाँ तक कि वैदिक कार्यों को महिलाओं द्वारा संपादित किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान या अन्य जो वेदों से संबंधित कार्य थे उसको महिलाएं संपादित करवाती थीं। घोषा नामक महिला का उल्लेख मिलता है जो अत्यंत विद्वान थीं और इन्हें ब्रह्म वेद की उपाधि प्रदान की गई, क्योंकि ये सर्वोच्च साहित्य धार्मिक दृष्टिकोण से जो माना गया वो ऋग्वेद, उसका इनको कंठस्थ सारी जानकारियाँ थी। यहाँ पर सती का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ सती से मतलब मृत पति के साथ उसकी पत्नी का जलना नहीं है। यहाँ सती से तात्पर्य यदि कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसे एक सात्विक जीवन जीने का मतलब उससे उपेक्षा की जाती थी समाज द्वारा कि वह एक सात्विक जीवन जिए। विलंगल और निकुलन, नाडुकुल, सॉरी, विलंगल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, नाडुकुल तमिलनाडु में है। यहाँ पर जो मकबरे मिले हैं उनमें उन लोगों को दफनाया गया है जो युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे।
विधवा विवाह का सीधा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है। नियोग से तात्पर्य महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर अपने वंश को बढ़ाने के दृष्टिकोण से महिला अपने पति मृत पति के छोटे भाई से वैवाहिक संबंध रख सकती थी। कल मैं आपको उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।